स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम MS Word में फाइल मेन्यू टैब के बारे में हम पढ़ेंगे, फाइल मेन्यू ऑफ MS Word। हेलो दोस्तों, आज की इस पोस्ट में आपको फाइल मेन्यू ऑफ MS Word के बारे में बताया गया है कि इसे कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइल मेन्यू MS Word का पहला मेन्यू होता है। इस मेन्यू में डॉक्यूमेंट के व्यवस्थापन से संबंधित ऑप्शन होते हैं। यह मेन्यू 6 भागों में बटा होता है। इस मेन्यू में MS Word में नया डॉक्यूमेंट बनाने से, बनी हुई डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने से, डॉक्यूमेंट फाइल पर कार्य समाप्त करने के उपरांत इसे बंद करने, डॉक्यूमेंट पर किए गए कार्यों को सुरक्षित करने, कंप्यूटर में किसी फाइल को खोजने, डॉक्यूमेंट फाइल का पेज सेटअप निर्धारित करने, डॉक्यूमेंट फाइल के पेज के प्रिंट का प्रदर्शन मॉनिटर स्क्रीन पर प्राप्त करने, प्रिंटर पर प्राप्त करने, वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल को MS Word में किसी स्थान पर भेजना और MS Word प्रोग्राम से बाहर निकलने से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलता है न्यू। न्यू ऑप्शन का यूज क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। MS Word की मेन्यू बार पर दिए गए फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू पर क्लिक करते ही हम पुल डाउन करते हैं, यानी नीचे आते हैं, तो यहाँ इस मेन्यू में हमें न्यू का ऑप्शन मिलता है। न्यू के ऑप्शन प्रयोग कर इस एप्लीकेशन विंडो में न्यू डॉक्यूमेंट टास्क पेन प्रदर्शित होता है। इस टास्क पेन में दिए गए वांछित ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम MS Word में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। MS Word की स्टैंडर्ड टूल बार पर दिए गए टूल्स आइकन न्यू पर क्लिक करने पर तुरंत नई रिक्त फाइल खुल जाती है, या फिर कीबोर्ड पर कंट्रोल की और एन की को एक साथ दबाने पर भी इसमें एक नई रिक्त डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो सकती है। अर्थात हम किसी फाइल पे MS Word में वर्क कर रहे हैं और हमें कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कोई दूसरा नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो हम कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं तो नया डॉक्यूमेंट यानी नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। और फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, तब भी हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं ओपन की। MS Word की मेन्यू बार पर दिए गए फाइल मेन्यू पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाले पुल डाउन मेन्यू में से ओपन ऑप्शन का प्रयोग करके मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली ओपन डायलॉग बॉक्स में से वांछित डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके खोला जा सकता है। अर्थात हमारे द्वारा पहले से बनी बनाई फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस ओ होती है। कीबोर्ड से अगर जो कंट्रोल के साथ हम ओ बटन प्रेस करते हैं तो लिस्ट ऑफ फाइल खुल जाती है, वहाँ से जिस डॉक्यूमेंट को हमें ओपन करना होता है उसको सेलेक्ट करके और इंटर करते हैं, वो फाइल हमारी ओपन हो जाती है। क्लोज। MS Word की मेन्यू बार पर दिए गए फाइल मेन्यू पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाला पुल डाउन मेन्यू में से क्लोज ऑप्शन का प्रयोग MS Word में खुले हुए वर्तमान एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट को बंद करने पर केवल वह डॉक्यूमेंट विंडो ही बंद होता है, ना कि MS Word की एप्लीकेशन विंडो। यदि वर्तमान एक्टिव डॉक्यूमेंट को अभी सुरक्षित नहीं किया गया है तो MS Word हमसे पूछता है कि आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या नहीं। अर्थात यहाँ पे जो क्लोज दिख रहा है, इस क्लोज जो फाइल मेन्यू में हमें क्लोज का ऑप्शन दिखता है, वो पूरे एप्लीकेशन को बंद नहीं करता है। वो किसे बंद करता है, जिस करंट एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं, यानी हम वर्ड पे वर्क कर रहे हैं MS Word पे, तो वो बस MS Word को बंद करता है, ना कि MS Office को। सेव। MS Word की मेन्यू बार पर दिए गए फाइल मेन्यू पर क्लिक करने पर
प्रदर्शित होने वाले पुल डाउन मेन्यू में से सेव ऑप्शन का प्रयोग एमएस वर्ड में खुले हुए वर्तमान या एक्टिव डॉक्यूमेंट में किए गए कार्य को सुरक्षित अर्थात सेव करने के लिए किया जाता है। ऐसे समझिए आप कि अगर हम किसी फाइल पर वर्क कर रहे हैं और उस फाइल को हमें सेव करना है, तो जैसे ही हम फाइल मेन्यू में आके सेव के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से फाइल नेम हम मेंशन करते हैं कि इस फाइल को हम किस नाम से सेव करना चाहते हैं, और सेव पर क्लिक करने के बाद वो हमारी फाइल सेव हो जाती है। सेव एज हमारे द्वारा पहले से बनाकर सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना ही सेव एज होता है। इसके अंतर्गत किसी भी फाइल की डुप्लीकेट फाइल बनाई जा सकती है, अर्थात हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी नाम से पहले से सेव करके रखें और हम चाहते हैं कि वो सेम डॉक्यूमेंट का सेम कंटेंट सेम मैटर रहे, और बट फाइल का नाम क्या हो जाए, दूसरा हो जाए, सेम ना रहे। जैसे मान लीजिए पहली फाइल को हमने राम के नाम से सेव कर रखा है, तो राम तो रहे पर जो डुप्लीकेट फाइल तैयार हो वो मोहन के नाम से सेव करनी है, तो वहाँ पे हम करते हैं सेव एज। किसी एक फाइल को किसी सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने की प्रक्रिया को या ऑप्शन को हम सेव एज कहते हैं। चलिए हम चलते हैं एमएस वर्ड की विंडो पे, आपको वहाँ पे दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो चुकी है। हम फाइल मेन्यू, आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइल मेन्यू पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें मिलता है सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेव, हेल्प ऑप्शन और एग्जिट। तो आइए बात करते हैं, होम मेन्यू पे आ गए। यहाँ एक कमांड होता है इक्वल रैंड, कोष्टक ओपन, कोष्टक क्लोज, एंटर। हमने एक प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ जो एमएस वर्ड में पहले से ही इनबिल्ड होता है वो यहाँ पे हमने रैंड कमांड से इंसर्ट करा लिया। अब हम आपको दिखाते हैं फाइल मेन्यू पे, हमने क्लिक किया, यहाँ पे सेव, इस फाइल को हम राम के नाम से सेव कर लेंगे। फाइल नेम में हमने लिख लिया राम। देखिए यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ से ओके करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे कोई भी नाम अभी हमारा शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये फाइल हमने अभी सेव करके नहीं रखी हुई है। हम इसे आपको सेव करके दिखाते हैं। फाइल पे गए, हम सेव पे गए, यहाँ पे हमने नाम लिख लिया राम, यहाँ से हमने कर लिया ओपन यानी सेव। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट वन लिखा था यहाँ पे उस फाइल का क्या लिख के आ गया, नेम लिख के आया, उसका नाम लिख के आ गया, यानी ये टाइटल बार पे अब ये शो करने लगा कि राम के नाम से ये फाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। ये तो रहा हमारा सेव। अब बात करते हैं सेव एज की। सेव एज यानी किसी भी फाइल को, किसी भी सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना, सेव एज करते हैं। तो इसी राम नाम के फाइल को हम क्या कर लेंगे, मोहन, मोहन सिंह के नाम से हमने सेव कर दिया। सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना ही सेव एज होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले यहाँ पे राम लिखा हुआ था वो क्या लिख के आ गया, मोहन सिंह, यानी उस राम की जो फाइल थी उसे हमने क्या किया, डुप्लीकेट फाइल बना लिया मोहन के नाम से। ओपन, ओपन ऑप्शन का यूज हम क्यों करते हैं, हमने आपको पहले बताया है कि ओपन पहले से बनाकर सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम कोई फाइल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे राम, राम के नाम की फाइल दिख रही है यहाँ पे,
हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको राम के नाम की फाइल दिखा रही है। राम के नाम की फाइल क्या होगी? ओपन होगी, यानी पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं और यहाँ से फाइल मेन्यू में ओपन के ऑप्शन पर जाके वहाँ से हम कर सकते हैं। क्लोज मैं आपको बाद में बताऊँगा। इन्फॉर्मेशन में बताता है कि इसके बारे में ये ड्राइव कहाँ सेव है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि ये सी ड्राइव में हमारा डॉक्यूमेंट सेव है। रिसेंट में वो होता है कि जो हाल ही में डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, जस्ट तुरंत ओपन हुआ है। जैसे पहले राम का फाइल था, हमने मोहन सिंह के नाम से उसे क्या किया, सेव एज किया, डुप्लीकेट फाइल बनाया। डुप्लीकेट फाइल बनाने के बाद फिर हमने ओपन ऑप्शन में जाके राम के फाइल को ओपन किया था, तो यहाँ पे राम का यहाँ पे दिख रहा है। रिसेंट डॉक्यूमेंट में वही डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो हाल ही में ओपन हुए हैं। अब बात करते हैं न्यू। जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ रहा है। हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अब यहाँ पे देख सकते हैं राम लिखा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए जहाँ कर्सर हमारा है, यहाँ पे राम लिखा हुआ। हम जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट, अब आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टू लिख के आ गया। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट टू लिख के आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कराया। न्यू ऑप्शन से हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कराया है, जिसके चलते यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिंट, जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो अगर हमारे सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट है तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। ये दिखाता है प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे हमारा प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट हमारे पेज पे कैसे प्रिंट होके आ रहा है। कुछ मैटर हमारे पेज से अधिक हो रहा है, एक पेज में हमारा मैटर प्रिंट होके आ रहा है, दो पेज में आ रहा है, तीन पेज में आ रहा है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। हम कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ से हम अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रिंटर अटैच है हमारे सिस्टम से। तो ये पेज सेटअप कर सकते हैं यहाँ से कि हम लैंडस्केप प्रिंट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। अब आप देखिए सेव एंड सेंड हम तभी यूज कर सकते हैं जब क्या करना हो, हमें अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट को कहीं दूसरी जगह पे मेल करना हो। अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट को अगर हमें कहीं दूसरी जगह मेल करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हेल्प में एमएस वर्ड से संबंधित यहाँ पे कुछ जानकारियाँ होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। कुछ भी हमें करना है तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शंस में डिस्प्ले है, सेव है, लैंग्वेज है, एडवांस है, इत्यादि जानकारियाँ यहाँ पे हमें मिलती हैं। बात करते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इस पर एग्जिट करेंगे तो हम इस डॉक्यूमेंट से बाहर चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।